जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं, विद्या में कमजोर होते हैं, जिनकी चित्तवृत्ति कमजोर होती है, जो उनको माता पिता बार बार कहते पढ़ 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 और बच्चा पढ़ता नहीं है, उनका दिमाग उनकी चित्तवृत्ति खेलने में लगी रहती है, चिड़चिड़े रहते हैं, उन बच्चों के लिए शिव महापुराण कहती है वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 12 बजे से सुबह ब्रह्म मुहूर्त के 4 बजे तक भगवान शंकर पे तुलसी चढ़ती है और भगवान लड्डू गोपाल पर, शालिग्राम जी पर, भगवान पर बेलपत्र चढ़ती है। 12 बजे से 4 बजे के बीच में वो तुलसी और बेलपत्र उठाकर शहद की शीशी में रख लीजिए और वो शहद को, जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, विद्या में कमजोर हो, बुद्धि में कमजोर हो, चित्तवृत्ति में कमजोर हो, उस बच्चे को 1 महीने तक वो बेलपत्र का, वो तुलसी डली हुई वैकुंठ चतुर्दशी की वो पूजन सामग्री अर्थात वो बेलपत्र, वो तुलसी का शहद 1 महीने तक बच्चे को चटाइए। बच्चा पढ़ने में होशियार होगा, माता पिता को कहना नहीं पड़ेगा कि तू पढ़ने बैठ, वो खुद पढ़े। हर हर महादेव। अपने बच्चों के लिए इस उपाय को आप जरूर करें और इस वर्ष वैकुंठ चतुर्दशी 6 नवंबर को है, 14 दीपों का दान वैकुंठ चतुर्दशी पे किस तरह से करना चाहिए वीडियो चैनल पर है, आप उसे भी जरूर देखें। इस उपाय को करके वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अपने बच्चों को विद्वान बनाएं, पढ़ने में होशियार बनाएं, जिससे वह हर सफलता को प्राप्त कर सके। हर हर महादेव। जय श्री कल्याण। हर हर महादेव। आइए जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी कब है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ 6 नवंबर 2022 रविवार 4:28 पर होगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 7 नवंबर 2022 सोमवार 4:15 पर समाप्त हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी पर विष्णु जी की पूजा निशिता काल में की जाती है, इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी 6 नवंबर को मनाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। इसी तरह से बहुत ही काम की वीडियोज आपको इससे प्राप्त होती रहती है।